Hello, myself Mahnoor Ali. Welcome back to my channel Speak of Art. थंबनेल आपने देख लिया है, मैंने किया है आज पूरा दिन ऑर्गेनाइजेशन का काम। अपने पूरे खाने मेरे जितने थे घर में मैंने वो सारे ऑर्गेनाइज किए हैं, और सुबह से मैंने बहुत काम किया। मैंने बहुत कपड़े धोए क्योंकि ये हफ्ता शादियों में गुजर रहा है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपड़े हैं। इस टाइम पे तकरीबन मगरिब का वक्त है, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। मैं आपको अपनी नेल पॉलिशेस की कलेक्शन दिखाती हूँ। वेट, सो ये सारी मेरी नेल पॉलिशेस की कलेक्शन जो मुझे मिली, ये है सिल्वर और वाइट कलर की, ठीक है, और इसमें ग्रे भी है। ये है ऑरेंज कलर की कलेक्शन मिली, इसमें ये है मरून और रेड कलर, और बहुत लाइट सा डिफरेंस होता है बट नज़र नहीं आ रहा आपको। ये सारी मरून, ये सारी पिंक और पर्पल की कैटेगरी है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास ब्राउन कलेक्शन आ गई, ब्राउन, और ये सारी ब्लू के शेड्स आ गए, ये लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लू। सो यप, दैट्स हाउ इट इज़। ये सारी, ये वाला वैसे कलर है जो है वो शॉकिंग पिंक कलर, शॉकिंग पिंक, ये बड़ा अच्छा कलर लगता है मुझे, और दैट्स वाई मेरे नेल जो है हमेशा बड़े होते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये ऑलमोस्ट 28 नेल पॉलिशेस मुझे मिली हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं मतलब मैंने जमा किए हुई हैं। और आज मैंने ये खाना भी साफ़ किया अपना, तो यस मैंने इसके अभी इसमें भी नेल पॉलिशेस बाय द वे पूरी पड़ी हुई हैं जो कि पील ऑफ नहीं है। ये सारी वो हैं जो पील ऑफ हैं, ये सारी पील ऑफ वाली नेल पॉलिशेज हैं। ठीक हो गया जनाब, अभी देखते हैं इसको सेट करते हैं जल्दी जल्दी। ये मैंने नो क्यों लिखा हुआ है, आई डोंट नो। हाँ, नो मीन्स ऑब्वियसली कि मुझे नहीं लगानी है। उप्स, ये देखिए जनाब। अच्छा, अभी तो मेरे बैग में भी पड़ी हुई है, ऑफिस के बैग में जो मैं ऑफिस लेकर जाती हूँ। एटलीस्ट मेरे बैग में हमेशा हमेशा दो नेल पॉलिशेस होती ही हैं, मतलब मुझे होता है कि बैग में एटलीस्ट नेल पॉलिशेस होनी चाहिए, कभी भी कहीं से जाना पड़ सकता है। तो ये देखिए, ये हो गई सारी नेल पॉलिशेस सेट, ये नेल रिमूवर मैंने रखा हुआ है, एंड ऑल सेट। हाँ, तो ऑर्गेनाइज़ की बात करें तो मैंने काफ़ी अच्छा जो है वो रूम ऑर्गेनाइज़ किया है। ये देखिए, टन टना, ऊपर मेकअप बॉक्स, वैनिटी बॉक्स हो गया मेरा, ये सारे लोशन, क्रीम्स और बॉडी लोशन टाइप कह लो आप, और ये सारी मज़ीद मोर चीज़ें, मोर थिंग्स। और यस, आप लोगों ने मेरा रूम का फुल अभी मेकओवर नहीं देखा जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, एक सेकेंड। सो ये देखिए, तो ये है, हम पे रोशनी पड़ रही है वहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा बेड, और ये हमारा न्यू रग, मैंने अपनी वीडियो में एक बताया था। और ये रूम का जो है वो फुल लुक है, एक सेकेंड। मैंने एक एक्स्ट्रा लाइट खोली है दिखाने के लिए, ये टीवी हो गया, ये रेड वॉल, पिंक वॉल, ये ऐसे, और दैट्स हाउ इट इज़। कैसा लगा मेरा रूम का मेकओवर कंप्लीट, डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि हाँ मैंने और ऐसा ने बड़ी मेहनत की है, और ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। सो ये हालत आप देख सकते हैं, बाल स्ट्रेट किए थे कल, जो है शादी पे जाना था तो मौका नहीं मिला मुझे शार लेने का, वरना ये ख़राब हो चुके होते, लेकिन अभी ये ठीक है। और मुझे भी जाना भी है मामा बाबा के घर पे, क्योंकि वहाँ से आगे मुझे जाना है जुनैद के घर पे जिसकी है शादी। आई एम श्योर जब ये व्लॉग आ रहा होगा जुनैद की शादी हो चुकी होगी। हैप्पी वेडिंग जुनैद, एंड आई विश यू नो ऑल द सक्सेस फॉर योर न्यू लाइफ। ऐसन को मैंने भेजा है कि बिस्किट ले आएँ ताकि हम लोग जो है चाय नोश फरमाएँ और फिर निकलें। तो यप, ये और ऐसन भी आ गए हैं, और बिस्किट भी हमारे पास रेडी है, हमारी टी, और ये हमारा कैंडी। कैंडी में वो ख़ास बात है जो तुम में कहाँ। अब हमने चाय पी ली थी, अभी मैं बस है रेडी होने लगी, तो मेरे की कॉल भी आई थी कि आप ही आ जाएं, मैंने कहा ओके जी, तो मैंने कपड़े निकाल लिए, बस रेडी होती हूँ। सो ये मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने हल्का सी लिपस्टिक भी लगा ली है। अच्छा जी, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, बस निकलना है क्योंकि मेरू की भी कॉल आई थी। प्लान समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है, आई डोंट नो ये टाइम सही भी है जाने का कि नहीं, बट फिलहाल मैं मम्मा के घर तो निकलूँ क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने थोड़े काम करने हैं जो पेंडिंग है, इसीलिए तो मुझे मेरू बुला रही है। सो ये हम निकले रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम मेरू। अस्सलाम
मैं रू नो मामा इस तरह के ओ मिस कर दिया जैन सबा क्या ईमान अस्सलाम वालेकुम तुम्हारी तू क्या लेकर आई हो मैरू ने मेरा टैटू बनाया यहाँ पे देखो आउच हाँ हाँ कितना क्यूट लग रहा है मेरू ओ आप दिखाओ मेरू हाँ अच्छा लग रहा है मेरू मेरू ये स्टैम्प लाइनर है क्या देखो एक ही बनाया आपने अच्छा लग रहा है चलो आप ही जो है गाड़ी में और वो निकल रही गाड़ी आप ही हटे ये जी निकल रही गाड़ी और ये जी आप ही हम जा रहे थे और ऐसा ने कहा कि उन्हें भूख लग रही है तो हमने जाते हुए सोचा कि हमें एक छोटा सा वो जो बेकरी पिज़्ज़ा होता है वो ले लेते हैं मैरू भी खा लेगी मैरू का गला कहीं भी ख़राब है एक्चुअली लो जी हमें कुछ नहीं मिला हमें क्या हुआ नहीं है फिनिश ओके जी चलो कोई बात नहीं ओके मैरू क्या कह रही थी आपका गला ख़राब हुआ है मैरू मैं ना आज सोच रही थी कि मैं स्ट्रिंग पीऊँगी आज इस गले में आप स्ट्रिंग पियेंगे ओके उन्होंने कहा कुछ लड़के थे उन्होंने स्ट्रिंग पीने की वजह से उनका पता नहीं चेस्ट कैंसर अम्मा ने बिल्कुल ही मना कर दिया मना ही कर दिया ये तो सही हो गया आपके साथ मेरे मैं आ गई हूँ जुनैद के घर पे फाइनली ये वो घर है जहाँ मैं रहती थी अस्सलाम वालेकुम जुनैद अस्सलाम वालेकुम हेलो जुनैद हेलो वेलकम हैप्पी वेडिंग इनका हो गया आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको जुनैद थैंक यू और ये दुल्हन का कमरा अब वो बीमार पड़े हुए माशाल्लाह बहुत अच्छा है जुनैद मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए थैंक यू फॉर कमिंग छत पे जहाँ पे हम लोग रहते थे बड़ा मज़ा आ रहा है फीलिंग नॉस्टैल्जिक और जो है काफ़ी पुरानी मेमोरीज जो है वो रिकॉल हो रही हैं ये वो छत है जहाँ पे हमने बहुत अपना टाइम गुजारा है ऐसन इस घर में मैं रहती थी हाँ इसी घर में बड़ी हुई पली बड़ी हुई बहुत बड़ी हुई फिर हम लोग शिफ्ट कर गए ठीक है जैद कैसा लग रहा है आपको ये वही घर है जहाँ पे हमने बचपन गुजारा है क्योंकि मेरू तो उस घर में हुई है बट ईमान बहुत छोटी थी और हम दोनों तो चलो बहुत सेंसिबल थे जब हम यहाँ से निकले सबसे ज्यादा लेकिन मैं टू क्लास में था छोटा ही था इतनी ज्यादा अकल भी नहीं थी बड़ी बतेरी अकल थी तुम्हें टू क्लास में नहीं बाकी अच्छा लगता है गुड के वापस उसी जगह पर आते हैं जहाँ पे हम लोग खेल कूद के निकले और स्पेशली हमने यहाँ पे बहुत ही खेला बिल्कुल क्यों यहाँ पे सारे बच्चे होते थे हम बहुत इंजॉय करते थे मिलके फुल हम पूरी पूरी रात जाग जाग के हमने जिंदगी गुजारी है पूरा सज गया है निकलने लगे हाफिज जुनैद बाय बाय जुनैद बाय सो यहाँ पे हमने कर दिया बाबा को ड्रॉप और अब हम वापस घर जा रहे हैं अब हम वापस घर जा नहीं नहीं बाबा चलो यस बाबा को दूध लेके घर चले जाएंगे बाबा का बेसिकली रोज रात को एक रूटीन है कि बाबा यहाँ से आते हैं दूध लेने के लिए और फिर वापस जाते हैं वॉक करते हुए तो अभी हमने उनको ड्रॉप कर दिया अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं ये मैं मम्मा बाबा बल्कि बाबा तो उतर गए ये मम्मा और मैरू की जो गाड़ी है वो जा रही है वो टर्न हो रही है वहाँ से मैं आ गई हूँ घर पे ये मैंने प्लांट्स को आज पानी दिया था देखें कितने हरे भरे लग रहे हैं सामान ले आई हूँ घर पे घर से जो मैंने कल ड्रेस पहनना है वो मम्मा के घर पे था तो वो मैं ले आई हूँ खाना वाना था खा लिया है वहाँ से अब बस सोना है क्योंकि कल है बारात जुनैद की
और डिसाइड ये हुआ है कि बहुत दूर जाना है। बेसिकली हम लोगों ने मेहमान लेके जाना है बारात, तो यही प्लान है कि जितना जल्दी हो सके निकलेंगे। और कल मुझे उठना है, कपड़े प्रेस करने हैं। आई एम श्योर मेरे पास सिर्फ इतना टाइम होगा कि मैं सिर्फ सेरा बंदी जाऊँ के लिए जाऊँ, और 5 बज जाएंगे 6 बज जाएंगे और हमें फिर बारात लेके निकलना होगा। यहाँ पे करूँगी व्लॉग को एंड। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।